हेलो दोस्तों, अपनी यूट्यूब फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी हर मनोकामना माँ लक्ष्मी पूरी करे। तो दोस्तों, अभी आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू में वीडियो जो देखा, तो दोस्तों इस तरह के स्टेटस वीडियो आप अपने मॉडल इमेज को यूज करके बनाना चाहते हो, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए मैं जो भी मटेरियल्स का यूज़ कर रहा हूँ वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपका काइन मास्टर वर्क कर रहा है तो काइन मास्टर से बेटर एडिटिंग कर सकते हैं, बट मेरा काइन मास्टर वर्क नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पर वीवा कट अप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फ्रेंड्स ये 30 सेकंड का है ही, तो हम इतना रख सकते हैं या छोटा बड़ा आप करना चाहे तो कर लीजिएगा। देन स्टार्टिंग में आ जाएगा। स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स इस साइड में आपको ओवरले दिख रहा है या नीचे में, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज में जाइएगा। यहाँ पे अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ पिक्चर हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फुल बॉडी इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्ट फोटो आप ऐड करके उसका पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसे तब तक के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने इसे ले लिया। लेने के बाद इसके ड्यूरेशन को हम लास्ट तक कर देंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो परफेक्टली लास्ट तक आ गया। देन इसके बराबर कर लेंगे। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कट आउट का, इस पर टैप कीजिएगा। देन यहाँ पे पर्सन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कर दीजिएगा और आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कट रहा है तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे इसका फिंगर कट रहा है तो उसके लिए हम इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इस तरह से। जैसा देख सकते साइज मैंने इसे एडजस्ट किया। फेदर इसका आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा, घटा लीजिएगा। इसके बाद इस तरह से यहाँ पे फिंगर पे इसे आप चला दीजिएगा तो ये फिंगर यहाँ पे इसका बच जाएगा, इरेज नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप किसी और एप्लीकेशन की मदद से अपना जो मॉडल इमेज है उसे इरेज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इतना पे रहने देता हूँ, इससे ज़्यादा ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे पतला नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और पतला हम कर सकते हैं इसे इतना तक। तो फिर भी फिंगर से हम काम कर रहे हैं तो इतना सही नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बगल से साइड से निकल रहा है थोड़ा सा, तो इसे हम इस तरह से रख लेते हैं। फिर वहाँ पे ये रहा, ठीक है। देन यहाँ पे सही है, मैं इसे रहने देता हूँ। यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे में थोड़ा सा कट रहा है बट नीचे का तो हमें काम भी नहीं है, तो यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर लेते हैं। मास्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिरर वाला जो ऑप्शन, इसे टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से छोटा कीजिएगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे जो डाउन एरो दिख रहा है इसे पकड़ के एरो को इस तरह से नीचे खींच दीजिएगा तो हल्का सा एरो सा आ जाएगा। इसके बाद इस तरह से इसे हम इतना पे रख लेंगे, इतना पे, ठीक है। अभी शैडो हमें मिल गया और फेस एकदम क्लियर है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एडो जो देख सकते हैं इस पर क्लिक करके बैक आ जाएंगे और इसे इस तरह से जूम करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसे रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसे जूम करेंगे तो हल्का सा जूम करने के बाद इसे यहाँ पर हम सेट कर देंगे परफेक्ट इस तरह से। देन अब आप क्या कीजिएगा, इसका ओपिसिटी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। तो उसके लिए आपको इस साइड में आना होगा, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर टैप करके और इसे हल्का सा इस तरह से डाउन कर देना है इस तरह से, परफेक्ट एडजस्ट हो गया। देन यहाँ पे बैक कर लीजिए। बैक करने के बाद आपको स्टार्टिंग में आना है। अब यहाँ पे एक फुल बॉडी इमेज आपको ले लेना है। सेम मॉडल का इमेज होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, अगर नहीं होगा तो आप जो भी होगा उसे ऐड कर लीजिएगा। तो मैं ओवरले में चलता हूँ। देन यहाँ पे इमेज में चलते हैं। इमेज में मेरे पास काफ़ी सारे इमेज जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, बट इस तरह का इमेज लेंगे जो वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखते हो फुल बॉडी इमेज मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो मैं इसमें से देख लेता हूँ कौन सा इमेज परफेक्ट तरीके से वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। जैसे ये वाला इमेज भी एडजस्ट हो सकता है, मैं इसे ही ले लेता हूँ। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कटआउट का, कहाँ पे चला गया, ये रहा। इसे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे पर्सन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये एडजस्ट हो गया। देन यहाँ पे डन कर देंगे, अच्छी तरह से इरेज कर लिया यहाँ पे। इसके बाद इस तरह से हम इसे फुल कर देंगे और जहाँ पे आप इसे रखना चाहते हो वहाँ पे रख लीजिए। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरह से, परफेक्ट। देन इसके ड्यूरेशन को हम बढ़ाकर लास्ट तक कर देंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे लास्ट तक कर दिया। करने के बाद फ्रेंड्स इसे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब नीचे वाला इमेज जो है इसे आप एडजस्ट कर लीजिए कहाँ पे रखना चाहते हो, तो मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। देन स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, ओवरले में चले जाइएगा। ओवरले में जाने के बाद इमेज पे जाइएगा, मैंने आपको एक तो पीएनजी प्रोवाइड किया था हैप्पी दिवाली लिखा हुआ, उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके भी ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक कर देना है कुछ इस तरह से, परफेक्टली। इसे सिलेक्ट करने के बाद इस तरह साइड में खींच देते हैं तो यहाँ पर बराबर कर लेना है। करने के बाद आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा, बड़ा करना चाहते हैं छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। देन इसके बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पे एनिमेशन
एनिमेशन का ऑप्शन आता है, इस पर टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद आप इसमें कोई एनिमेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से बैक आ जाइए तो देख सकते हैं। इसमें एनिमेशन मैं ये वाला दे देता हूँ, तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये आया इस साइड से या इस साइड से सही रहेगा, तो इधर से मैं दे देता हूँ। यहाँ पर एनिमेशन देख सकते हैं इस साइड से आ जाएगा हैप्पी दीपावली जो लिखा हुआ है, देन यहाँ पे हम राइट क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इस साइड में आना है और एडजस्टमेंट में चले जाना है, और इस साइड में आकर यहाँ पे आप शेडो टाइन का ऑप्शन जो देख सकते हैं इस पर क्लिक करके इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रखना हो, मतलब ज़्यादा कलर यहाँ पे चेंज नहीं होता है, बट आप जो कलर रखना चाहें तो इस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। या टेम्प की मदद से इसका टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे और भी फीचर मिल जाते हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से बैक आइए, अगर आप चाहे तो फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं इस पर, तो जो भी फिल्टर आप यूज़ करना चाहे, जैसे ये वाला फिल्टर मैंने यूज़ किया तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तब चाहे तो फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसे डन करते हैं, इसका काम हो गया। अब स्टार्टिंग में आइएगा, ओवरले पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये वाला जो ये वाला वीडियो है इसे ले लीजिएगा, देन डन कीजिएगा। ये वीडियो आपका 20 सेकंड का है जिसे आपको एडजस्ट करना होगा, तो सबसे पहले तो इस साइड में ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए, तो पूरे स्क्रीन पे आ जाए, देन यहाँ से बैक आइए। बैक करने के बाद आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना होगा, टैप करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन करना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, देन आपके इसे लास्ट में आ जाएगी जितना टाइम का ये है उसके, और यहाँ पे कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद इसके ड्यूरेशन मतलब ऐसे स्क्रॉल करके इस साइड तक क्लिक कर दीजिएगा जहाँ तक यह है, परफेक्टली मैंने इसे बराबर कर दिया देख सकते हैं, तो अगर बराबर नहीं हो तो अच्छे से कर लीजिएगा इस तरह से परफेक्ट, ठीक है। अब ये एक और इस साइड में स्क्रॉल होकर चला गया, तो चलिए इसे हम खींच लेते हैं इस साइड में, परफेक्ट यहाँ पे आ गया। देन इसके बराबर में करेंगे और यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद इस साइड में आइएगा और यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिएगा, दूसरा वाला जो पार्ट है इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, परफेक्ट हमारा काम हो चुका है देख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे हमारी एडिटिंग हो गई। अब स्टार्टिंग में आइएगा, ऑडियो वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, जो भी ऑडियो यहाँ पे लेना चाहते हो उस ऑडियो को ले लीजिएगा, तो एक्सट्रैक्ट म्यूजिक भी कर सकते हैं, अगर किसी वीडियो से ऑडियो को लेना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज म्यूजिक पर क्लिक कीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो म्यूजिक मेरे पास है तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, परफेक्टली मैंने एक सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लिया, सॉन्ग थोड़ा बड़ा है तो सॉन्ग को यहाँ पे हम बराबर कर देंगे इस तरह से, प्रोजेक्ट के बराबर में कर लीजिएगा। देन ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा, टैप करना जिस भी क्वालिटी में वीडियो को सेव करना चाहते हो उस क्वालिटी पर क्लिक कीजिएगा, देन वीडियो कुछ इस तरह से सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई, उसके वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।